कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली एवं आज की तीसरी जनसभा को संबोधित करने के लिए धारवी मुंबई पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीच में अजान की आवाज सुनते ही अपने भाषण को बीच में ही रोक दिया और शांत होकर अजान के खत्म होने का इंतजार करने लगे। हालांकि इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी बोलते बोलते बीच में ही क्यों रुक गए, लेकिन कुछ सेकंडों बाद राहुल गांधी ने इशारा कर बताया कि अजान चल रहा है। आप बताओ, हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, क्यों है समझाओ। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अर्थव्यवस्था पर एक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर है तो हिंदुस्तान कमजोर है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि यदि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो हमारा हिंदुस्तान भी मजबूत है। इस दौरान उन्होंने कई बार मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बार बार बीजेपी और पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के 70 सालों के कार्यकाल पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो नुकसान नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का किया, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी लगाकर जो नुकसान उन्होंने किया, कांग्रेस ने 70 सालों में ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि इससे पहले मैं यहाँ पर आया था और मैंने कहा था कि अगर आप मेड इन इंडिया चाहते हो, अगर पीएम नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया का सपना देख रहे हैं तो मेड इन इंडिया की फाउंडेशन धारावी है। उन्होंने आगे कहा कि बिना मेड इन धारावी के मेड इन इंडिया नहीं हो सकता है। उन्होंने इस दौरान शिवसेना पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के 15 अमीर लोगों का 5.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। उनका कहना है कि नोटबंदी जीएसटी का उद्देश्य गरीबों की जेबों से पैसा निकालकर अमीरों को देना था। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया अमीर लोगों की कर्ज माफी पर चुप है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया ने चीनी राष्ट्रपति के डोकलाम के बारे में पूछा। राहुल ने कहा कि क्या मोदी ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान 2017 डोकलाम गतिरोध के बारे में पूछा। आपको बता दें कि राहुल गांधी वर्ष 2017 में चीनी सैनिकों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में कथित घुसपैठ का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने किसानों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के बजाय देश के उन अमीर लोगों का कर्जा माफ करती है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने देश में बढ़ रहे बेरोजगारी पर भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि जब युवा नौकरियां मांगते हैं तो सरकार उन्हें चांद देखने के लिए कहती है। उन्होंने कहा कि सरकार समस्याओं पर बात करने के बजाय अनुच्छेद 370 और चांद की बात करती है। राहुल गांधी ने इस दौरान एक के बाद एक मोदी सरकार पर कई सवालों के गोले दागे। हालांकि काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीच जनसभा में अजान की आवाज आते ही राहुल गांधी ने अपने संबोधन को रोक दिया। हालांकि राहुल गांधी ने ऐसा कर सही किया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।